तो खारगढ़ से ही है? मैं बहुत दूर दूर से भी है। कहाँ से? खारगढ़। ओके, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको समझना जरूरी, आप लोग नए हैं यहाँ पे, ठीक है? अभी हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आज एक बंदे से मेरी बात हुई थी, अभी उसकी ज्वाइनिंग हुई है, वो दिल्ली का, दिल्ली के बिहार का, बिहार का है वो, और ज्वाइनिंग उसकी मैंने किया। अब मैंने सिर्फ यही है कि मुझे जब वो बात करता है, सर काम क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, भैया नहीं, ऐसे लोग सवाल करते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग, अब मैंने उसको पूछा आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना, अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, 20 साल का है, तो क्या बोलता है, मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं है, ठीक है? मैं बोले चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे हिसाब से हम कस्टमाइज करेंगे। बोले नहीं सर, आप बताओ कि हमको क्या करना पड़ेगा, अगर तुमको हम कर सकते हैं तो हम करेंगे। मैं बोला कर सकते हैं तो करेंगे, ये आंसर गलत है, बराबर। उसके बाद में आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि हमें डीएक्सएल करना है या नहीं करना। मैं तो वो एक बहुत अच्छा अचीवर्स ट्रेनिंग में बताया था कि एक स्टोरी है, एक स्टोरी है, एक होटल के अंदर तीन लोग बैठते हैं, वो एक बंदा, तीनों चाय पीते हैं, ठीक है? चाय पीने के बाद एक बंदा अपना कप पीने के बाद सीधा रखता है, एक बंदा उल्टा रखता है, और तीसरे वाले को समझ नहीं आता क्योंकि 7-star होटल है, इशारों से बातें होती है, तो वो सोचता है कि अभी इन लोगों ने ऐसा रखा, एक ने सीधा रखा, एक ने उल्टा रखा, तो अभी हर हर एक को कोशिश रहती ना कि हम कुछ अनोखा करें, तो आड़ा रख देता है, ठीक है? अब वो वेटर आता है, वो देखता है कि हाँ चलो इसने चाय पी लिया, और इनको और चाय चाहिए क्योंकि चाय का कप सीधा है, इनको चाय नहीं चाहिए क्योंकि चाय का कप उल्टा है, बराबर। अब तीसरे बंदे के पास जब ये जाता है तो सोच में पड़ जाता है, बोले यार ये क्या हो रहा है, बोले सर ये आप क्या कर रहे हो, मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आया, बोले चाय दे दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो थर्ड कैटेगरी के लोग, ना हमको चाहिए ना हमको बनना है। अगर आप हो तो अपने आप को सुधार दो, या तो अभी निकल के भाग जाओ इतनी दूर कि हम पकड़ ना पाए, ठीक है? अब दूसरी जो दो कैटेगरी है वो काम के हैं, क्यों? क्योंकि जो बंदा ना बोलेगा, कम से कम उसके पास कोई रीजन होगा ना बोलने का, तो उसको हम काउंटर करके शायद उसका ना को हाँ कर सकते, और जो हाँ है वो कुछ करेगा। तो यहां पर कितने लोग हैं जो डीएक्सएल करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? तो मैं आपको ये बताता हूँ, उस लड़के से मैंने क्या बात किया, मैंने उस लड़के से ये बात किया कि आप मुझे ये बताओ कि डीएक्सएल आपको क्यों करना है। मैंने सवाल किया डीएक्सएल आपको क्यों करना है, तो बोलते देखो सर सबको तो पैसा कमाना है ना, इसलिए मुझे भी डीएक्सएल। मैं बोला सबको साइड पे करो, तुमको क्या चाहिए, ये पहला सवाल। मुझे क्या चाहिए वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो बोले सर मुझे भी पैसा चाहिए। मैं बोला ठीक है, पर सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूं। क्या बोला? मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने बोला कि अभी तुम अगर 11वीं या 12वीं में पढ़ाई कर रहे हो और 3 साल ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद और 2 साल MBA करोगे, यानी 5 साल 6 साल लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि 10-12 हजार की नौकरी मिल जाएगी। तो 5 साल इंतजार करके 10-12 हजार के लिए, तुम टाइम 5 साल है तुम्हारे पास, पर मैं बोल रहा हूं कि 3 साल के अंदर अगर तुम 10 लाख की इनकम तुम्हारे को मिलती है, या 3-4-5 लाख या 2 लाख की इनकम तुमको 3 साल में मिलती है, तो ये इनकम चाहिए या नहीं चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सामने रखो लोगों के, और इसका ये मतलब नहीं है कि आज बाहर निकल के सबको पूछो आपको 1 लाख चाहिए। पहले जाकर पता करो कि 1 लाख डीएक्सएल से आता कैसे, ये बहुत बड़ा, क्योंकि लोग बात नहीं कर रहे क्योंकि उनको खुद को पता नहीं है कि इसमें इनकम आती है। और मैं एक ही चीज बोलता हूं कि अगर आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको डीएक्सएल सिखाओ, क्योंकि जब वो कॉलेज की डिग्री खत्म करके बाहर निकलेंगे तो उन लोग क्या ढूंढने निकलते हैं, बाहर जॉब ढूंढने निकलते हैं। अगर आज आपने उनको डीएक्सएल सिखा दिया, अगर वो 3 साल अगर डीएक्सएल कर लिए
तो 3 साल के बाद उनकी कंडीशन या इनकम इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो नौकरी देने लायक हो जाएंगे, ना कि नौकरी लेने। तो आपको भी 3 साल इसमें अंदर ईमानदारी से काम करना है। आपके अगर बच्चे हैं, बच्ची है, उनसे आप ये डीएक्सएन करवाइए, उनको ब्लड में उनके डालिए, है कि नहीं, सलाइन कहाँ डालते हैं, ब्लड में डालते हैं, इसलिए इंस्टेंट एनर्जी आती है। तो डीएक्सएन को भी ब्लड में डालना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके प्रोडक्ट को उनके ब्लड में डालना पड़ेगा। और ये ब्लड में कब जा सकता है, जब ये दिल से बात हो, दिमाग से बात नहीं करना है, दिल से डीएक्सएन को फील करना है। क्यों फील करना है, क्योंकि अच्छी चीज को सिर्फ फील किया जा सकता है कि नहीं, लोकल ऑर्डिनरी चीज को देखा जा सकता है। इसीलिए मारुति 800 भी मार्केट में बिकती है और फरारी गाड़ी भी मार्केट में बिकती है। अब लोग बोलते हैं फरारी कौन खरीदेगा, आपके पास जेब में नहीं है इसलिए आप नहीं खरीद सकते, मेरे पास भी नहीं है, पर उसकी तरफ जा रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि क्यों हमको डीएक्सएन करना है, इसके बाद में फिर नेक्स्ट को बुलाऊंगा। एक बहुत ही सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट को समझो कि हम डीएक्सएन को क्या समझ रहे हैं आज तक, और डीएक्सएन एक्चुअली है क्या, वो समझना बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल ये है कि अगर हम बात करते हैं तो पहले तो मैं जॉब की बात करता हूं, मीटिंग में आपने सुना होगा, वही है जॉब की हम बात करते हैं। जॉब किसका होता है, हमारा होता है कि बॉस का होता है? क्या 30-40 साल के बाद हमारा बॉस हमको बिठा के खिलाएगा? नहीं खिलाएगा। तो मैं ऐसा काम क्यों करूं जिससे ना मैं अपनी जिंदगी में खुश रह पाऊंगा, ना मैं आर्थिक आजाद होऊंगा, ना मैं आने वाली पीढ़ी को बिठा के खिला सकता। तो ऐसी चीज के ऊपर मैं मेहनत क्यों करूं? तो यहां आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो इसका मतलब नहीं कि आज नौकरी छोड़ दो, इसके साथ डीएक्सएन को बिल्ड करो ताकि आप नौकरी छोड़ सको, ये ध्यान रखो। दूसरी चीज, हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस अगर हमको करना है तो बिजनेस हम क्यों करते हैं, पैसे कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, सही है? अब बिजनेस अगर हमको करना है तो बहुत सारी दुकानें आसपास में है, कोई मोबाइल बेचता है, कोई टीवी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, या नहीं बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। तो आपको मुझे बताओ कि अमीर बनना है तो किस जैसा अमीर बनना है, वो बाजू की दुकान वाले जैसा अमीर बनना है या टाटा बिरला जैसा बनना है? कितने लोगों को बनना है? पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? वो अगर हाथ पे कुछ है तो रख के हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। हाँ, अब लग रहा है। तो खुद के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। अब मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको असलियत पता चलनी चाहिए। जब तक मुझे मेरा ग्राउंड नहीं पता है, मुझे कहाँ जाना है, मैं तय नहीं कर सकता हूँ। तो अगर हम टाटा बिरला जैसा अमीर बनना चाहते हैं, तो ये समझ कर चलो कि हर बंदे के पास कम से कम 1 लाख ऐसे लोग हैं जो रोज काम करते हैं, उनके नीचे नौकर है, एम्प्लॉय है, रोबोट्स है, बराबर ये 10 घंटा काम करते हैं और हर महीने पगार इनको मिलती है। और यही 1 लाख लोग घर जाके ये सोचते हैं कि हमारा घर इस पैसों से चल रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, बराबर। पर ये 1 लाख लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? टाटा बिरला के लिए। उसके उनको काम करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो 1 लाख लोग अगर दिन का 10 घंटा काम करते हैं तो कितने घंटे हो गए? 10 लाख पर डे का काम इनका होता है, राइट? अब हमारी बात करते हैं, है ना। अब हर एक बंदे के पास 24 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 24 आवर्स सबके पास है, है ना। क्या हम रोज 24 घंटे काम कर सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। पर अगर हम एग्जांपल के लिए देखते हैं, ठीक है, अगर मैं रोज पैदा हुआ, मां के पेट से निकला, काम करना चालू कर दिया, पॉसिबल है? नहीं है। फिर भी मैं समझने के लिए समझते हैं, 24 घंटा मैं काम करता हूं और लगातार 365 दिन काम करता हूं और कंटिन्यूसली 60 इयर्स काम करता हूं। कितने? 60 साल लगातार काम करता हूं। तो कितने घंटे का काम हुआ बता? 5,25,000। पूरी जिंदगी में मेरे 5,25,000 घंटे काम कर सकता हूं, जो इनके एक दिन को बीट नहीं कर सकता।
समझ में आ रहा है? अगर जो काम आज आप कर रहे हो 60 साल की आप 600 साल कर लो तो भी उनको बीट नहीं करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम ये है कि रेस लगी फरारी गाड़ी की है और हम जाते हैं मारुति 800 लेकर और बोलते हैं चलो आज तो तुम्हारे से हम रेस में जीत के दिखाएंगे। जीतेंगे नहीं। तो पहले अपने ईगो को हटाओ, असलियत को समझो कि जो काम हम कर रहे हैं वो मारुति 800 गाड़ी है, वो कभी भी फरारी को भी नहीं कर सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 800 को हटाकर हमें फरारी लेकर उतरना पड़ेगा। ये जो फरारी गाड़ी है वो डीएक्स एन ए की फिर टाइम मल्टीप्लाई करती है और हमारी इनकम को मल्टीप्लाई करती है। हमारे नीचे इतने लोग काम करने वाले हो जाएंगे कि कल को हमको काम करना नहीं पड़ेगा, टाइम फ्रीडम हमारे पास आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा और फ्रीडम हमारे पास आएगा। तो डीएक्सएन एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम टाटा बिरला अंबानी जैसा अमीर बन सकते हैं। तो बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पे कितने लोगों का ग्लास सीधा है डीएक्सएन को लेकर? मुझे आधे लोग का दिख रहा है। जिनके पास दो है वो दोनों खड़ा कर और एक जोरदार ताली खुश चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हम लोग